गाइज अभी हम बहुत ज़्यादा वाले टेंशन में हैं क्योंकि वी आर एक्सट्रीमली लेट फॉर एन इवेंट जिस पे हमें पहुंचना था 6 बजे और अभी 7:30 बज चुके हैं। हिमालय का फुल सीरियस मोड में क्योंकि इसका सारा ध्यान स्कूटी में है। अभी पूरा ट्रैफिक भी इसी टाइम मिलेगा हमें और यहाँ पे नीचे इसने गूगल मैप्स ऑन करके छुपाया हुआ है फोन अपना, वहाँ पे चेक कर रही है। गाइस ट्रैफिक देख सकते हो आप, नेक्स्ट लेवल सीन है भाई और हम लेट हो रहे हैं। गाइस स्कूटी हमने पार्क कर दी है इधर, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा स्कूटी पार्क्ड है। क्या चाहिए? मेरे को लाइट चाहिए, मेरे को सारा सामान रखना है स्कूटी के अंदर। रखो। मैं इस लड़के के चक्कर में एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेके आई। मोहित बाल देखना सही लग रहे हैं मेरे? अरे खुल नहीं रहे, एक सेकंड। उपसी। अरे इतना सारा काम धाम। गाइस सीन ऐसा है कि एक स्विगी का इवेंट है, वहाँ पे हमें आज मॉर्निंग में ही इनविटेशन आया है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे और फूड क्रिएटर्स भी आ रहे हैं। यस, और ऐसा उसमें लिखा था इनविटेशन में कि फराह खान भी आ रही है एंड आई रियली लाइक हर एज अ पर्सन। नहीं मैं तो खाने के लिए आ रहा हूँ, मैंने सुना था कि फ्री फूड भी होगा। फ्री फूड तो जहाँ मिलेगा उधर चल लेगा। हाँ मतलब हु डजंट वांट फ्री फूड? आई डोंट वांट फ्री फूड, आई एम नॉट कीन टू नो इट। गाइस हमें बैंड मिल गए, वीआईपी बैंड देख सकते हो आप एंड ये है जगह की एंट्री और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं आप देख सकते हो। शायद इनको एंट्री नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या है, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और ये फोटोज़ वगैरह खींच रही है ताकि इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करेगी कि वीआईपी बैंड मिला इसे एंट्री में, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे वीआईपी जा रही है। क्या है गाइज ये है एंट्री, सिक्योरिटी चेक के बाद बहुत लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। गाइज अब हम टेरेस पे आ गए जहाँ पे वीआईपी सेक्शन है और यहाँ पे सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और नीचे बाकी सारे लोग हैं, तो वी आर इन द वीआईपी सेक्शन। वाओ गाइज आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस अ लॉट लेकिन फराह खान आई हुई वहाँ पे, वो देखो। गाइज फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो मुझे मिल गया, चिकन हाका नूडल्स। आई एम हैप्पी नाउ। खाओ 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 चिकन ठूसो। चिकन इज रियली नाइस पर ठंडा है यार, थोड़ा ठंडा है, दिख रहा है चिकन। हाँ कम से कम 1 किलो खा के जाऊंगा आज। मुफ्त का है ना, मुफ्त रिक्वायरमेंट नहीं से पूरी करूंगा। लड़का कितना खुश हो जाता है फ्री का खाना ढूंढ के, इसकी वो खुशी देखो, इसको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स आए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है इसको, सिर्फ खाना दिख रहा है। वो खाओ नूडल्स। भूख लग गई ना आज, आपने मुझे 40 मिनट वेट भी तो कराया बाहर मेट्रो के। चुप रहो, 40 मिनट था भाई, 6:40 पे आ गया था मैं, फोन देख लो और आप 7:30 बजे मिले मेरे को। अरे हमने लिपस्टिक लगाई हुई है आज, मैंने लगाई थी इसकी लिपस्टिक, बोर हो रहा था अलग तरीके से। क्या हो रहे थे, बोर हो रहे थे तो उसने मेकअप वेकअप कर लिया थोड़ा, सच्ची में लग रहा है रेड कलर का लिपस्टिक लगाया। गाइस तगड़ा इवेंट चल रहा है, सारे लोग क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ रहे हैं और भीड़ भी देखो कितने सारे लोग आए हैं। छोड़ो यार क्या बोल रहे हैं, ज़ोमा लैंड भी तो वीआईपी गए थे। हां ज़ोमा लैंड भी गए थे पर ये ज्यादा वीआईपी है। अरे ये देखो ये रहा, वाइब्रेशंस की बात आती है तो भाई पूरा भर लिया इसने यार, मैंने भी निकाला भी है थोड़ा सा, दो बंदों के लिए बहुत ज्यादा है। चुप रहो आ जाओ, लग तो बढ़िया रहे हैं भाई, उसका फोटो सेशन चालू है। कोई गिरा मत मेरे ऊपर, बचपन से ऐसा ही रहा हूं बिकॉज़ ऑफ माय गुड लुक्स आई मैनेज्ड टू गेट अवे विद द लॉट। मेरी फेवरेट वाली चटनी मीठी वाली शहद की होती है, ठीक है चिकन ज़्यादा अच्छा है। अरे फराह खान चली गई मेरी, देखा नहीं आपने, खाने में लगे थे, मेरे को मिलना था उससे। कौन ये पूरा चिकन खा जाएगा, मेरी फराह खान चली गई, मुझसे मिलना था। जो खा रही है, अरे वो बहुत फूटी है, लड्डू पी रही है, जाऊँ क्या मिलने उससे, फोटो क्लिक कर लाऊंगी इसके साथ, देखती होगी आपका कॉन्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि फराह खान को मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहिए। गाइस कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, कोई सिंगर है मुझे नहीं पता कौन है।
ये तो चिकन ही खाया जा रहा है, ये भी लेके देखो कुछ अलग है, कुछ अलग है वो, खा के देखो ना, पूछो वेज या नॉन वेज। गाइस अब हम नीचे आ गए हैं जहाँ पे नॉन वीआईपी वाले लोग हैं, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट कैसा है, और बहुत शोर है क्योंकि हम स्टेज के बिल्कुल पास है, वो देखो वो रहा स्टेज। गाइस ये देखो, ये था इवेंट का नाम स्विगी क्रिएटर कॉन। अच्छा क्रिएटर कॉन मतलब पॉपकॉर्न, मैं तेरे सोच रही हूँ कौन कौन क्या, कौन तो चोर होता है ना, पागल हो क्या क्रिएटर कॉन। भाई देखो इवेंट खत्म हो गया और यहाँ पे ना फ्री हैम्पर मिल रहा है, ये रहा, बड़ी हैम्पर तभी मिलेगा अगर आप स्टोरी पोस्ट करोगे स्विगी को टैग करके, ठीक है। अभी हमारे सामने एक बंदे को भगाया ये बोल के कि आपके फॉलोअर्स कम है, उस बंदे ने फोन लिया, आप फोन दिखाओ जब ना मेरे को आपके फॉलोअर्स दिख रहे हैं, उसने फॉलोअर्स को भगा दिया उसे, उसके फॉलोअर्स देखे और बोला निकल यहाँ से साले, कोई 500-600 में बेचारे भाई बेचारे गलत किया, अब देख लो फॉलोअर्स वालों की औकात है भाई, देख लो यहाँ पे स्विगी तुमने ठीक नहीं करा, ये है भेड़ चाल। चलो ये देख लो सारे सारे क्रिएटर्स हैं और फ्री हैम्पर जिसकी वैल्यू 300-400 की, उसके लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, दंगे हो गए यहाँ पे भाई। तो इसमें एक ट्रे है जो कि काम भी नहीं आने वाली, एक डायरी है और एक बॉटल है, सारे के सारे क्रिएटर हैं आपके फेवरेट सारे, जिसमें हम भी हैं और हमें काफी बड़े बड़े लोग भी मिले आज, मैंने ले लिया अपना, फिर कहते मालिक मेरा भी दिखा दो ना, मैंने भी स्टोरी लगाई है, स्टोरी लगाई तो है मैंने, उसने मेरे फॉलोअर चेक करे, उसने कहा मुझे वो दोबारा नहीं देने वाली, आपको खुद जाना पड़ेगा लेके आने के लिए, उसने मेरे भी फॉलोअर चेक करे पता, चालू हां इसकी भी चेक करें, ये शक्ल से वो लगता है ना थोड़ा डॉन चोर वो आ रहा साला भाई बॉटल मारने। गाइस अब इवेंट को बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए अपनी स्कूटी पे, और ये बिल्कुल कुतुब मीनार के पास है जगह, और भाई मस्त वाली ठंड हो रही है पूरी चिल्ड, मेरी नाक हल्की हल्की ब्लॉक हो रही है, अभी साला बीमारी से ठीक हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से बीमार हो जाऊँ, इसलिए मैंने डबल लेयर करा हुआ है, शॉर्ट पहनी अंदर से, मैंने एक बनियान भी पहनी है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंजॉयिंग द राइड। यस। अरे करण जौहर का स्टोर दिखाऊं आपको मोहित? करण जौहर का स्टोर है? हाँ करण जौहर का स्टोर है, अरे डिजाइनर है उसका पूरा, देखो ये मैं अभी दिखाती हूँ, अबे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर्स है ना, गौरव गुप्ता और मतलब बहुत सारे हैं, तो उन सबका शोरूम है यहाँ भाई, काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज लग रही है, देखो गाइस अभी प्रॉपर्टी नहीं है, डिजाइनर शोरूम्स है, देखो रिंपल रिंपल एंड हरप्रीत, वाओ अबे करण जौहर कहाँ गया भाई, करण जौहर खो गया, आई विल कम हियर टू बाय सम स्टफ, कितने का पड़ेगा यहाँ पे स्टफ, यहाँ पे 2-3 लाख का पड़ता है, कैन यू बुक वन फॉर मी, ओए सभ्य साची, काश मोहित मुझे रोज ऐसी जगह पे लाता, सभ्य साची भी है यहाँ पे गाइस, ये तो मैंने सिर्फ ऑनलाइन नाम सुना है सभ्य साची, इसे तो एक्टर्स वगैरह रणबीर कपूर वगैरह पहनते हैं, हाँ रणबीर कपूर पहनता है सभ्य साची, हाँ हाँ उनका ही है, मैं सोच रहा हूँ कि अपना जिम आउटफिट बनवा लूँ सभ्य साची से, जिम आउटफिट ऐसा कुछ नहीं देते वो लोग, थोड़ा आराम से चलाओ यार आप, अरे मैं गलत आ गई, कोई बात नहीं आराम से चलाओ, और थोड़ा ना साइड साइड भी रखो यार, वैसे हमने हेलमेट नहीं पहना दोनों ने, अंदर गलियों से ही लो सिर्फ, इतना बड़ा हॉर्न क्यों मारते हो भाई, वो मुंह पे मार रहा है गाड़ी मेरे को, गाड़ी के हेडलाइट, पागल बंदा। अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है यार, ये तो खांसता ही रहता है, बूढ़ा हो गया अभी से ही, क्या करूं मैं, आए हाय। तो गाइस हिमालिका ने मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर दिया और एक मिनट में मेट्रो आ जाएगी, आई थिंक दिस इज द लास्ट मेट्रो, क्योंकि 11 बजे तक चलती है मेट्रो, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, वैसे मुझे नहीं पता कि लास्ट मेट्रो किस टाइम पे तक जाती है, बाकी आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, आई एम गोना गो होम नाउ, देखो पूरा स्टेशन खाली है, एक दो लोग हैं वैसे, और मेरी मेट्रो भी आने वाली है, चलो बाय, आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और आगे मेरी मेट्रो ये देखो, बाकी बाय बाय, आगे आगे देख लो, झूठ नहीं बोल रहा, आएगी अभी आगे, चलो बाय।